हम जा रहे हैं सुबह सुबह 8 बजे हैं सुबह के, और ये देखिए फ्रेंड्स 8 बजे कितनी ठंडी होती है, और हमें लग रही है हवा तेज़, कितनी तेज़ हवा चल रही थी सुबह सुबह, ठंड से हाथ पैर भी ठिठुर रहे थे। मेट्रो रिक्शा में हवा भी ज़्यादा लग रही है, और हम कहाँ जा रहे हैं ये मेरे साथ आप बने रहिए, मैं सब दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए फ्रेंड्स आ चुका है हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल आए हैं, और मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ में पापा की दवाई लिवाने। और ये देखिए फ्रेंड्स हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, हमें घर से हॉस्पिटल आने में 2.5 घंटे लगे, और हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँच चुके हैं। ये सामने मेरे पापा को व्हील चेयर पर बैठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, वो पैरालाइज हैं। और मैंने रिसेप्शन पे पेपर बनवाया फीस जमा की, और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के कैबिन के बाहर, जहाँ की ये सीट आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर हम बैठे थे। और 11 बजे का टाइम था डॉक्टर का, लेकिन 12:30 बजे तक भी डॉक्टर कैबिन में नहीं आए थे, और हम बैठे बैठे परेशान भी थे, क्योंकि 1.5 घंटा बैठे रहना, मेरे पापा को दिक्कत होती है बैठे रहने में। और फाइनली 1.5 घंटा बैठने के बाद हमारा नंबर आ चुका है, और हम अब जाएंगे डॉक्टर के पास। और फ्रेंड डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, और अब कुछ टेस्ट के लिए बोला है, ये जा रहे हैं सामने। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ दवाई लेने, ये देखिए डॉक्टर ने लिख के दे दिया है। वैसे तो कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा डॉक्टर के पास जाने से, और बीमारी छोटी हो या बड़ी दवाई तो खानी पड़ती है सही होने के लिए। और ये देखिए सामने कितनी भीड़ है मेडिकल पे। दवाई मैं ले जा रही हूँ पापा के पास, और अब हम जा रहे हैं घर। और ये देखिए मेरी मम्मी यहाँ पापा के पैर में चप्पल पहना रही है, जो कि उनसे पहनी नहीं जा रही, और उन्हें पहना रही हैं। ये देखिए कितनी भीड़ थी डॉक्टर के पास में, ये देखिए ये पहना रही हैं घर। और हम यहाँ रुके हुए थे सड़क क्रॉस करने के लिए। और ये हॉस्पिटल था जहाँ हम दवाई लेने के लिए आए थे, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और रेलवे फाटक हमें खुला मिल गया, जहाँ हमें रुकना नहीं पड़ा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर, और मैं खा रही हूँ खाना। देखिए क्या बोलती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। तो बहुत टाइम हो गया, बज गए 4, हम सुबह 8 बजे निकले थे, हमें दवाई लेने में बहुत टाइम हो गया। फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया है, और अब हम काटेंगे कुट्टी, ऐसे ही बहुत देर हो गई है इनकी चारे के लिए, जल्दी जल्दी हम कुट्टी काट के ख़त्म करते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं, फिर ठंड भी हो जाती है, अंदर भी बांधना है। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।